तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। मैं स्कूल जा रही थी तो वो जाना अकील अहमद मेरे सामने गाड़ी लगाकर और गंदी गंदी हरकतें करते हैं और गाली गलौज करते हैं। तो उसके बाद उसकी एप्लीकेशन हमने थाने पर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। ये 16 तारीख को ऐसे ही गाली गलौज कर रहा था, बहुत बदतमीजी कर रहा था। तो हम लोग यहाँ चौकी इंचार्ज महोदय ने, हमारे भतीजे ने ऑब्जेक्शन किया। जब हम तो चौकी इंचार्ज ने उसे मारा। मारने के बाद में हम थाने आए, थाने में कोई कंप्लेंट लिखी नहीं। यूपी में महिला सुरक्षा के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत ऐसी कि किसी का भी माथा घूम जाए। फतेहपुर से भी ऐसा मामला सामने आया और सवालों के घेरे में एक बार फिर यूपी पुलिस खड़ी नजर आ रही है। पॉइंट ब्लैंक के इस एपिसोड में आज एक बार फिर हम उन्ही सवालों को उठाएंगे। फतेहपुर में सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां शौदे से परेशान छात्रा ने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। पीड़िता के मुताबिक रोजाना स्कूल जाते समय पड़ोस का युवक शराब के नशे में उसे रोककर उसके साथ छेड़खानी करता है, अश्लील हरकतें करता है, जिसकी शिकायत पहले भी पुलिस से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी लड़की ऑक्सफोर्ड में पढ़ती है, जब वहाँ जाती है, जहाँ बस आती है वहाँ पे हमारी लड़की जाती है तो अकील खान उसके साथ में छेड़छाड़ करता है और गाली गलौज बहुत बदतमीजी करता है उसके साथ में। और 4-5 दिन से स्कूल ही नहीं गई। अभी कल स्कूल गई है तो कल भी उसने छेड़छाड़ किया, तो आज भी स्कूल गई। और हमने ये 16 तारीख को ऐसे ही गाली गलौज कर रहा था, बहुत बदतमीजी कर रहा था। तो हम लोग यहाँ चौकी इंचार्ज महोदय ने, हमारे भतीजे ने ऑब्जेक्शन किया। जब हम तो चौकी इंचार्ज ने उसे मारा। मारने के बाद में हम थाने आए, थाने में कोई कंप्लेंट लिखी नहीं गई। हमारे एसपी ऑफिस से ऑर्डर किया इसके सामने, वहाँ फिर भी हमारी कंप्लेंट कोई नहीं लिखी। आज भी हमारी और आज भी हमारी कंप्लेंट लिखी नहीं जा रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं स्कूल जा रही थी तो वो जाना अकील अहमद मेरे सामने गाड़ी लगाकर और गंदी गंदी हरकतें करते हैं और गाली गलौज करते हैं, जिसके बारे में मैंने घर पे कई बार बताया। और उसके चलते मैं स्कूल तक स्कूल नहीं गई। और तो उसके बाद उसकी एप्लीकेशन हमने थाने पर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं चाहती हूँ कि उस पर कार्रवाई हो। दरअसल फतेहपुर के बकेवर थाना क्षेत्र की ये पूरी वारदात है, जहाँ छेड़खानी से परेशान होकर एक 9th क्लास की लड़की ने स्कूल जाना छोड़ दिया। पीड़िता की मां ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि 16 अक्टूबर को वो अपनी बेटी को स्कूल ले जाने के लिए छोड़ने सड़क तक जा पहुंची, तभी शराब के नशे में धुत अकील ने उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की। विरोध किया तो अकील ने लाठी डंडों से भतीजे को पीट दिया। थाने में इस मामले की शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई न होने से शौदा हर रोज बेटी को स्कूल जाते समय छेड़खानी और अश्लील हरकतें करता है, जिससे भयभीत होकर बेटी ने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। मामला बढ़ा तो एसपी के निर्देश पर पुलिस ने युवक के खिलाफ केस दर्ज किया। लेकिन इस घटना के बाद कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल, छेड़छाड़ से परेशान बच्ची ने पढ़ाई छोड़ दी, ऐसे कैसे बढ़ेगा इंडिया? दूसरा सवाल, शिकायत के बाद भी पुलिस ने केस दर्ज क्यों नहीं किया? तीसरा सवाल, लापरवाह पुलिस वालों पर कार्रवाई कब की जाएगी? चौथा सवाल, आरोपी की गिरफ्तारी कब होगी? तो ये तमाम सवाल जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक इसी तरह आपकी खबरों को लेकर आता रहेगा और आप ही के सवालों को उठाता रहेगा। इस शो से जुड़ी और इस खबर से जुड़ा अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आपकी कोई राय है, तो वो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।